वेलकम टू अवर चैनल 3A टीम। आज हम फर्स्ट फॉलो का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट एंड फॉलो के डिस्कस किए हैं दोज आर एक्चुअली वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्शंस गिवन है। सबसे पहले हम इन प्रोडक्शंस का फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप ये प्रोडक्शंस देख सकते हैं, कुछ आपको इसके अंदर टर्म्स अलग मिलेंगी जो हमने अब तक डिस्कस किए थे उससे कुछ अलग टर्म्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करूं तो मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, सी पी एफ एक्स वाई आई एंड जे, दीज ऑल आर द वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल्स की बात करूं जो कि हमारे आंसर में आएंगे फर्स्ट एंड फॉलो के, दोज विल बी क्लास आईडी, पब्लिक नल, फाइनल नल, एक्सटेंड्स आईडी नल, इम्प्लीमेंट्स नल, आईडी कोमा एंड नल। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है बेसिकली, ये हमारे टर्मिनल्स है जो कि हमारे आंसर में आएंगे। बस ये ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट के अंदर नल आएगा और फॉलो के अंदर हमारा नल नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फर्स्ट। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ सी कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ पी होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ पी होंगे सबसे पहले मेरे, मींस जो भी मेरे पी आएंगे उनको मैं सी के इक्वल पुट कर दूंगा बेसिकली। दिस इज द रूल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्शन, मींस फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ पी। ठीक है, अब उसके बाद पी टेंड्स टू नल और दिया हुआ है प्रोडक्शन के अंदर, तो अगर मैं पी को नल रख दूं तो मेरी प्रोडक्शन क्या बनेगी, सी टेंड्स टू एफ क्लास आई डी एक्स वाई। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ एफ, एक मेरी इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो मींस जो भी फर्स्ट ऑफ एफ आएंगे वो मैं फर्स्ट ऑफ सी के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पी को भी नल रख दू और एफ टेंड्स टू नल है तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ सी क्या आ जाएंगे, देखिए सी टेंड्स टू पी एफ है मेरे पास प्रोडक्शन क्लास आई डी एक्स वाई। अगर मैं पी को भी नल कर दू एफ को भी नल कर दू तो मेरे पास क्या बनेगा, क्लास आई डी एक्स वाई। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ सी से क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा क्लास, एक मेरे पास ये कैलकुलेट हुआ। ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में रख लेते हैं, इससे हमारा फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू आ गया क्लास। ठीक है, उसके बाद आई थिंक और कोई नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं इसको नल रखता हूं तब भी मेरे पास फर्स्ट ऑफ सी क्लास ही आने वाला है। ठीक है, आईडी कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास को मैं नल नहीं रख सकता। ठीक है, तो अप टू दिस पॉइंट इज इट क्लियर। नाउ पी टेंड्स टू पब्लिक, तो पी टेंड्स टू पब्लिक से अगर मैं बात करूं पी टेंड्स टू पब्लिक की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ पी इक्वल्स टू पब्लिक, एक मेरे पास ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ पी मेरे पास आ गया पब्लिक। ठीक है, और पी टेंड्स टू नल से फर्स्ट ऑफ पी में मेरे पास नल भी आ जाएगा, पी टेंड्स टू नल से फर्स्ट ऑफ पी इक्वल्स टू नल आ गया। ठीक है, एक ही आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद एफ टेंड्स टू फाइनल और नल, तो एफ टेंड्स टू फाइनल की अगर मैं बात करूं और नल की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ एफ इक्वल्स टू मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, फाइनल एंड नल। ठीक है ना भाई, एफ टेंड्स टू फाइनल से फाइनल आ गया, इसका पहला क्या है फाइनल, और एफ टेंड्स टू नल से मेरा पहला क्या है नल है, तो नल आ गया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एक्स टेंड्स टू एक्स टेंड्स और आई डी और नल, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए इसका एक्स का पहला क्या है इन दोनों में से, एक्सटेंड्स है तो एक्सटेंड्स आ गया, और एक मेरे पास प्रोडक्शन है एक्सटेंड्स टू नल, तो उसका पहला क्या है नल का पहला बेसिकली नल ही है, तो ये मेरे पास नल आ जाएगा। ठीक है, वाई टेंड्स टू इंप्लीमेंट्स आई एंड नल, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ वाई इक्वल्स टू, देखिए इंप्लीमेंट्स और आई में मेरा पहला वैल्यू क्या है, इंप्लीमेंट्स है, दैट इज अ टर्मिनल, तो मेरे पास इंप्लीमेंट्स आ जाएगा, और एक वाई टेंड्स टू नल है तो उसका पहला क्या है नल का पहला बेसिकली नल ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास इंप्लीमेंट्स एंड नल आ जाएंगे, एक वैल्यू मेरे पास ये आई, एक वैल्यू मेरे पास ये आई थी। इस तरीके से सबको बॉक्स में बंद कर लो जिससे हम बाद में अगर आंसर लिखे तो हम इनको मर्ज कर सकें, क्लब कर सकें। ठीक है, तो आई टेंड्स टू एक मेरे पास है आई टेंड्स टू आई टी एंड जे, तो इसका तो सिंपल है कि फर्स्ट ऑफ आई इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, आई डी, सिंपल। ठीक है ना, इन दोनों का पहला क्या है आई डी है। ठीक है, जे टेंड्स टू कोमा
आई ओर्नल, तो इससे क्या है, इसका फर्स्ट क्या है, आई और जे का फर्स्ट, पहला कोमा है तो फर्स्ट ऑफ जे इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, कोमा एंड नल, बिकॉज जे टेंड्स टू नल इज ऑल्सो ए प्रोडक्शन, तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ जे क्या आ जाएंगे, कोमा एंड नल। नाउ वी कैन कंबाइन ऑल द आंसर, एक मेरे पास ये आया था ठीक है और एक मेरे पास ये आया था। नाउ वी कैन क्लब द आंसर कि मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ मुझे निकालने है सी, फर्स्ट ऑफ पी, फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑफ वाई ठीक है और फर्स्ट ऑफ आई और जे और निकलेंगे ठीक है, फर्स्ट ऑफ आई और फर्स्ट ऑफ जे, ये वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है बेसिकली। तो हम अब क्लब करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या आंसर आ रहे हैं इसके ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ सी में देखो फर्स्ट ऑफ पी आ रहे थे, फर्स्ट ऑफ पी में क्या क्या आया था मेरे पास, पब्लिक आया था ठीक है ना, तो एक तो इसके अंदर आ गया पब्लिक बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ पी, और फर्स्ट ऑफ पी में मेरे पास क्या आ रहा है पब्लिक ठीक है, अभी तक ये आया मेरे पास। तो फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ पी आ चुका है, मीन्स पी के जो भी फर्स्ट आएंगे अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं नीचे ना, फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ अभी लिखेंगे जो, तब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर ठीक है। फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू, एक देखो मेरे पास क्लास आ गया ये वाला क्लास, तो फर्स्ट ऑफ सी मेरे पास एक आ गया क्लास ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ पी इक्वल टू पब्लिक मैंने ऑलरेडी पहले से रख दिया ठीक है। फर्स्ट ऑफ एफ इक्वल टू फाइनल और नल, फर्स्ट ऑफ एफ इक्वल टू फाइनल एंड नल ठीक है। फर्स्ट ऑफ एफ इक्वल टू मेरे पास फाइनल और नल आ गया, फर्स्ट ऑफ पी मेरे पास क्या थे पब्लिक और एक यहां पे नल भी है मेरे पास ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ पी में पब्लिक और नल मेरे पास आ जाएंगे ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट ऑफ एफ मेरे पास आ चुका है, उसके बाद है फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सटेंड्स और नल, तो इसके अंदर मेरे आ जाएंगे एक्सटेंड्स एंड नल ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ फाइव में इंप्लीमेंट्स और नल, इसके अंदर आ जाएंगे इंप्लीमेंट्स एंड नल। उसके बाद फर्स्ट ऑफ आई में क्या आ जाएगा मेरे पास आईडी, फर्स्ट ऑफ आई में मेरे पास आया आईडी ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ जे में कोमा और नल, फर्स्ट ऑफ जे में आया मेरे पास कोमा एंड नल ठीक है। तो यहां तक मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक चीज और देख लो कि यहां पे मेरी कुछ इक्वेशन बनी थी ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी मेरे पास कि फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ पी था मेरे पास, तो फर्स्ट ऑफ पी क्या है पब्लिक और नल, तो मैंने अभी तक क्या रखा इसके अंदर पब्लिक रखा था केवल, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास नल भी मुझे रखना पड़ेगा ठीक है, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद फर्स्ट ऑफ सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ भी मेरे पास था, फर्स्ट ऑफ एफ क्या था फाइनल और नल, तो इसके अंदर फाइनल भी आएगा ठीक है ना, ये फाइनल भी आएगा और नल तो मैं ऑलरेडी पुट कर ही चुका, तो दो बार नल पुट करके कोई फायदा नहीं है ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह देंगे पब्लिक क्लास फाइनल नल, और इसके अलावा हमारी कोई क्वेश्चन नहीं बचती, हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी है। नाउ यू कैन चेक, तो इस तरीके से हम बेसिकली इसके फर्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट समझ में आए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फॉलो। अब देखिए हम इसके फॉलो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन है सी टेंड्स टू पी एफ क्लास आई डी एक्स, तो मैं इसको ही लेता हूं सी टेंड्स टू पी एफ क्लास आई डी एक्स वन। इससे पहले मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो भी हमारा ग्रामर के अंदर स्टार्टिंग सिंबल होता है उसकी वैल्यू हम डॉलर पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर वन ऑफ फॉलो, कि जो भी हमारा स्टार्टिंग सिंबल होगा उसके अंदर वी विल पुट डॉलर। तो मेरे पास जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, तो मेरे पास फॉलो ऑफ सी कितना आ जाएगा डॉलर, एक तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी ठीक है ना, दिस इज योर रूल नंबर वन अकॉर्डिंग फॉलो ऑफ सी इक्वल्स टू डॉलर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। केवल मैंने आपको फॉलो के तीन रूल बताए हैं जिसमें से पहला रूल तो ये वाला है, उसके बाद दूसरा रूल मैंने बताया था कि हर एक प्रोडक्शन को ए टेंड्स टू अल्फा डॉट बी बीटा से कंपेयर करेंगे, या फिर अल्फा बी बीटा भी हम इसको लिख सकते हैं, बस बी हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, अदरवाइज अल्फा में भी एनीथिंग बीटा में भी एनीथिंग ठीक है। और दो रूल थे कि बीटा इज नॉट इक्वल टू नल और एक बीटा इक्वल टू नल, अगर बीटा नल नहीं होता है तो एड फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉलो ऑफ बी, और अगर बीटा नल होता है तो फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ ए। ये तीन रूल मैंने आपको बताए थे, और आपको अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो हमारी प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हमने इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये चीज समझने में दिक्कत आ रही है या फिर रूल लगाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो यू कैन चेक अवर प्रीवियस वीडियोस ऑफ फॉलो एल्गोरिथम ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं इसको। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया हमेशा बी आपका वेरिएबल होगा, तो सबसे पहले मैं बी इसको मान के चल रहा हूं, दिस इज योर वेरिएबल
दिस इज योर बीटा, रिमेनिंग पोर्शन इज बीटा। मैं जो कंपेयर करूंगा ए टेंड्स टू अल्फा बी बीटा से कंपेयर करूंगा, जहां पे बी मेरा हमेशा वेरिएबल रहेगा। तो मेरा सबसे पहला वेरिएबल पी है, ठीक है, तो मैंने रिमेनिंग पोर्शन को बीटा कर दिया और अल्फा को नल कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो अप टू दिस पॉइंट आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि एड फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉल ऑफ बी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ बीटा मीन्स फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ हमने अभी कैलकुलेट किए थे, तो हमारा आ जाएगा फॉलो ऑफ बेसिकली पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ हमने अभी निकाले थे, फाइनल और नल आए थे हमारे, ठीक है, इससे पहले अभी हमने कैलकुलेट किए हैं फर्स्ट ऑफ एफ, तो फाइनल और नल आया था। मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि फॉलो के अंदर कभी भी नल नहीं आता, तो एवरीथिंग एक्सेप्ट नल इन फर्स्ट ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल मस्ट बी एडिटिव इन द फॉलो ऑफ बी। मींस आपके पास फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, मेरे पास फाइनल और नल है, लेकिन मुझे केवल इसके अंदर फाइनल पुट करना पड़ेगा क्योंकि नल हमारे फॉलो के अंदर नहीं आते। तो एक रूल ये निकल के आया इस वाले प्रोडक्शन से। उसके बाद दोबारा से अप्लाई करते हैं सी टेंड्स टू पी एफ क्लास आई डी एक्स वाई। इस बार मैं बी इसको मान रहा हूं, दिस इज योर अल्फा दिस इज योर बीटा, क्योंकि बी तो मुझे वेरिएबल मानना होता ना, दूसरा वेरिएबल मुझे अब दिखाई दे रहा है। तो एट फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉलो ऑफ बी, तो इससे मेरा क्या निकलेगा, फॉलो ऑफ बी मीन्स एफ इक्वल्स टू क्लास, ठीक है ना भाई। फर्स्ट ऑफ बीटा मीन्स बीटा पूरा का पूरा, ये इसका पहला क्या है, क्लास है, दैट इज ऑल्सो ए टर्मिनल। तो टर्मिनल तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना, अगर ये वेरिएबल होता तो मैं उसके फर्स्ट चेक करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ही हमारा टर्मिनल है, सो दैट विल बी द वैल्यू। एक मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं। उसके बाद दोबारा से मैं लगाता हूं उस प्रोडक्शन को सी टेंड्स टू पी एफ क्लास आई डी एक्स वाई। इस बार मैं बी से मान लू बिकॉज बी इज ए वेरिएबल, इसको नहीं मैं मान सकता क्लास को, आई डी को नहीं मान सकता बिकॉज दीज आर द टर्मिनल्स, ठीक है। सो दिस रिमेनिंग पोर्शन इज अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। तो एट फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉलो ऑफ बी, इससे क्या निकलेगा हमारा, फॉलो ऑफ बी मीन्स एक्स इक्वल्स टू क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ बीटा। वाई के फर्स्ट हमने अभी निकाले थे, इंप्लीमेंट्स आया था और नल आया था, तो हम इसके अंदर लिख देंगे इंप्लीमेंट्स। नल तो हम लिखते ही नहीं है फॉलो के अंदर, तो हम लिख देंगे इंप्लीमेंट्स। एक रूल मेरे पास ही आके इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूं, फिर लगाता हूं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एक रूल मेरा ये वाला पहले से है, ये वाला रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं दोबारा से लगाता हूं सी टेंड्स टू पी एफ क्लास आई डी एक्स वाई। इस बार मैं बी से मान रहा हूं, दिस इज योर अल्फा, सबको मान चुका ना मैं एक बार, पहले इसे माना फिर इसे माना फिर एक्स को माना था, इस बार मैं बी इसको मान रहा हूं वाई को। बीटा इज योर नल, तो जब बीटा नल होता है तो रूल नंबर 3 ऑफ फॉलो विल बी अप्लाई दैट फॉलो ऑफ बी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए। तो फॉलो ऑफ बी यहां पे क्या है हमारे पास, मींस फॉलो ऑफ बी कितना है मेरे पास, वाई इक्वल्स टू फॉलो ऑफ सी अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 ऑफ फॉलो। इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। इसका मतलब क्या है कि जो भी सी के फॉलो आएंगे वो मैं वाई के अंदर पुट कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर और चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि मेरे पास पी टेंड्स टू नल है, अगर मैं पी टेंड्स टू इसके अंदर नल पुट कर देता हूं तो मेरी एक प्रोडक्शन और बनेगी, क्या बनेगी, सी टेंड्स टू पी एफ क्लास आई डी एक्स वाई, ये मेरे पास है। अगर मैं पी को नल पुट कर देता हूं तो एफ क्लास आई डी एक्स वाई, एक प्रोडक्शन मेरे पास ये बनेगी, ठीक है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं इसको बी मानू, दिस इज योर बीटा, तो एट फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉलो ऑफ बी, तो ये तो हमारा ऑलरेडी हो ही चुका काम कि हम फॉलो ऑफ एफ में क्या डाल चुके, क्लास डाल चुके, तो इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो पाया, ठीक है ना, इससे मेरा कुछ नहीं निकल पाया, तो इसको मैं हटा देता हूं। इससे मेरे वही वैल्यू आ रही है कि जो मैंने पहले लिखी थी, ठीक है ना, जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो पाया। उसके बाद सी टेंड्स टू अगेन पी एफ क्लास आई डी एक्स वाई, ठीक है। अब इस बार मैं एफ को नल पुट कर देता हूं क्योंकि मेरे पास एफ टेंड्स टू भी नल है, तो मैं क्या करूंगा, पी क्लास आई डी एक्स वाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं बी मानता हूं, इसको बीटा मानता हूं, तो एट फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉलो ऑफ बी मीन्स फॉलो ऑफ पी में क्या आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, इससे मेरा कुछ निकला, मीन्स फॉलो ऑफ पी इक्वल्स टू क्लास, ठीक है, दिस इज योर पी, एक वैल्यू मेरी ये निकल के आ गई, फॉलो ऑफ पी इक्वल्स टू क्लास। अभी तक ये मेरी नहीं आई थी, फॉलो ऑफ पी इक्वल्स टू फाइनल आया था, मेरा क्लास भी आ गया, किस वजह से कि अगर मैं एफ को नल पुट कर देता हूं तो आई विल गेट ए समथिंग न्यू वैल्यू, ठीक है, तो ये मेरी काम की वैल्यू है। अब उसके बाद फिर से देखते हैं सी टेंड्स टू पी एफ क्लास आई डी
एक्स वाई, ठीक है। अब देखो मेरे पास x टेंड्स टू भी नल है, मैंने p को भी नल रख दिया एक बार, f को भी नल रख दिया, तो जब हम यहां पे x को नल करेंगे तो c टेंड्स टू पी एफ क्लास आई डी एंड y, हमारा एक प्रोडक्शन बनेगा बिकॉज x टेंड्स टू नल, हमने यहां पे प्रोडक्शन पुट किया, तो मैं b इसको मान रहा हूं इस बार, दिस इज योर अल्फा पोर्शन एंड बीटा इज योर नल, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका फॉलो ऑफ y equals to follow of c, this will be the new production, new rule we can say, ठीक है। अब उसके बाद c tends to pf class, दोबारे से लेते हैं इसको id x y, मेरे पास production थी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, basically मैंने अभी रखा था x को null, इस बार मैं रख रहा हूं y को null, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा pf class id, इस बार मैं रख रहा हूं y को null, तो मेरे पास x आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज दिस इज बी एंड दिस इज योर अल्फा पोर्शन, बीटा इज अगेन नल, तो इससे मेरा रूल निकलेगा फॉलो ऑफ एक्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ सी, तो एक रूल मेरा ये निकल के आया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल ऑफ द फॉलो वी कैन से, ठीक है। तो हमारे पास एक रूल ये निकल के आया फॉलो ऑफ एक्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ सी। अब उसके बाद और कोई रूल इसके अंदर नहीं लगने वाला है, क्योंकि अगर आप पी एफ दोनों को नल रख दोगे, एक्स वाई दोनों को नल रख दोगे, तो क्लास आर डी बचेगा, तो उस पर हमारा कोई फॉलो का रूल अप्लाई होगा ही नहीं। उसके बाद हमारे पास p टेंड्स टू पब्लिक आता है, क्योंकि राइट साइड में केवल एक ही टर्मिनल है पब्लिक, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो उस पर नहीं लगेगा मेरा रूल। उसके बाद p टेंड्स टू नल, कोई भी एक वेरिएबल नहीं है राइट साइड में, कोई रूल नहीं लगने वाला है। उसके बाद f टेंड्स टू फाइनल पे कोई रूल नहीं लगने वाला है, क्यों, क्योंकि राइट साइड में कोई वेरिएबल नहीं है। f टेंड्स टू नल, कोई भी रूल नहीं लगने वाला है, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है। उसके बाद x टेंड्स टू एक्सटेंड्स आई डी, कोई वेरिएबल नहीं है, नहीं लगेगा नल पे भी नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। वाई टेंड्स टू इंप्लीमेंट्स आई, क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको बी मान लिया, एंड दिस इज योर अल्फा, बीटा इज योर नल, तो इस केस में क्या आ जाएगा फॉलो ऑफ आई इक्वल्स टू फॉलो ऑफ वाई, ठीक है ना, फॉलो बी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए, बी क्या यहां पे आई, ए क्या यहां पे वाई, ठीक है ना, तो फॉलो ऑफ आई इक्वल्स टू फॉलो ऑफ वाई, एक रूल ये निकल के आया, तो इस पे लग गया y टू नल पे कोई नहीं लगेगा, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, i टू आई डी जे इसको और लग जाएगा, i टू आई डी जे, ये अल्फा, ये b, ये बीटा, क्योंकि b हमारे पास j कैपिटल है तो वेरिएबल है, तो फॉलो ऑफ इससे क्या निकलेगा, फॉलो ऑफ j इक्वल टू फॉलो ऑफ i, इससे ये वाला रूल निकलेगा फॉलो ऑफ i, तो एक रूल मेरे पास ये आ गया फॉलो ऑफ j इक्वल टू फॉलो ऑफ i, ठीक है। अब इस पे और लग जाएगा j टेंड्स टू कोमा i, और नल पे तो कुछ लगता नहीं, तो छोड़ दो, j टेंड्स टू कोमा आई, तो ये मेरे पास b हो गया, बीटा नल हो गया, अल्फा हो गया, तो फॉलो ऑफ b इक्वल्स टू फॉलो ऑफ a मींस फॉलो ऑफ i इक्वल्स टू फॉलो ऑफ j, तो मेरे पास ये नए रूल निकले हैं, ठीक है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूं। तो अब बेसिकली हमने सारे प्रोडक्शंस पे सारे रूल अप्लाई कर दिए, अब कोई भी रूल नहीं बचता, ठीक है। अब फाइनली अब इनको कलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, अब हम अपना फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना है फॉलो ऑफ c, ठीक है ना, फॉलो ऑफ c आई विल कैलकुलेट, फिर फॉलो ऑफ p आई विल कैलकुलेट, फिर फॉलो ऑफ f, फिर फॉलो ऑफ x, फिर फॉलो ऑफ y, फिर फॉलो ऑफ i एंड फिर फॉलो ऑफ j, ठीक है। तो इनसे पहले आप फॉलो खुद लिख लेना, वी आर कैलकुलेटिंग द फॉलो एंड आई एम हैविंग ए वेरी लेस स्पेस, सो आई कैन नॉट कंप्लीट दिस फॉलो टर्म हियर, सो आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है। तो फॉलो ऑफ सी का मुझे वैल्यू अगर देखना हो तो शुरू से देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले रूल तो हमने फॉलो ऑफ सी में डॉलर लगाया था, तो डॉलर तो आ ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब चेक करते हैं फॉलो ऑफ सी कुछ आ रहा है क्या, फॉलो ऑफ सी 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 नहीं है मेरे पास, फॉलो ऑफ सी में कुछ भी नहीं है, तो डॉलर आया मेरे पास, इसे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब फॉलो ऑफ पी चेक करते हैं, फॉलो ऑफ पी में देखो यहां से देखो फाइनल आ रहा है, फॉलो ऑफ पी इक्वल्स टू फाइनल आई एम कैलकुलेटिंग P, और चेक करो ये P कहां पे आ रहा है, और P P क्लास भी आ रहा है, यहां चेक करो फॉलो ऑफ P इज क्लास आल्सो, और चेक करो कुछ आ रहा है क्या P के अंदर, और कुछ नहीं आ रहा, केवल फाइनल और क्लास आ रहा है। फिर F के चेक करो, F के अंदर क्या क्या आ रहा है, क्लास आ रहा है, चेक करो यहां पे क्लास, और कुछ भी आ रहा है क्या F के अंदर, F F F के अंदर आई थिंक और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो मेरे पास ये क्लास ही रहेगा। X के चेक करो, x में क्या आ रहा है, बेसिकली इंप्लीमेंट्स आ रहा है, इंप्लीमेंट्स, इसके अलावा भी कुछ आ रहा है कि x में,
एक्स के चेक करो, एक्स के फॉल ऑफ सी भी आ रहे हैं और फॉल ऑफ सी में मेरे पास डॉलर है तो डॉलर भी आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो फॉल ऑफ एक्स में और कुछ चेक करो और कुछ नहीं आ रहा, केवल दो वैल्यू आएंगी इंप्लीमेंट्स एंड डॉलर। उसके बाद वाई चेक करो, फॉल ऑफ वाई, फॉल ऑफ सी, फॉल ऑफ वाई में क्या आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, तो सी में क्या था हमारे पास डॉलर था। फॉल ऑफ वाई और कुछ चेक करो, सी के आ रहे हैं वो तो हमारा हो ही चुका ऑलरेडी। फॉल ऑफ वाई में और कुछ भी आ रहा है क्या, छोड़ दो कुछ नहीं आ रहा। फॉल ऑफ आई चेक करो, आई वी विल चेक आई, ये रहा फॉल ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल ऑफ वाई, तो वाई में मेरे पास क्या आ रहा था, डॉलर आ रहा था तो मेरे पास डॉलर आ गया, और आई में जे के कुल भी आ रहे हैं तो पहले जे के कैलकुलेट कर लो, जो जे के आएंगे वो आई में भी रख देंगे, ठीक है। तो फॉल ऑफ जे कैलकुलेट करो, जे जे के अंदर आई के आ रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आई में डॉलर आ रहा था, डॉलर मैंने पुट कर दिया बस और कुछ नहीं आ रहा। अब जे के मुझे आई के इक्वल टू करने थे तो डॉलर है तो डॉलर ही ऑलरेडी पुट है तो उसके अंदर और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये हमारे इसके अंदर फॉलो कैलकुलेट होंगे। तो यू कैन चेक द आंसर कि फॉल ऑफ सी इक्वल टू मेरे पास डॉलर बनेगा, फॉल ऑफ पी इक्वल टू फाइनल क्लास बनेगा, फॉल ऑफ एफ इक्वल टू क्लास बनेगा, फॉल ऑफ एक्स इक्वल टू इंप्लीमेंट्स डॉलर बनेगा, वाई इक्वल टू डॉलर, आई इक्वल टू डॉलर, जे इक्वल टू डॉलर। सो गाइज दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द आंसर एंड दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लिया तो उसके बाद उसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रुक सकता उसका फर्स्ट एंड फॉलो का। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, सबसे पहले इसको स्टार्टिंग करने से पहले वीडियो को आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एक बार, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे हमारे आंसर से इसको चेक कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस हमारे। थैंक यू सो मच गाइज।